तो मैं तुम्हें आज गिंजन इंपैक्ट में फ्री बोला दिलवाने वाला हूँ, वो भी एक बैंक लूटेंगे अपन। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ एंडेवर और मैं तुम्हारे लेके आ चुका हूँ 9 बहुत ज्यादा क्रेजी टिप्स, जो कि अगर तुम एक अर्ली टू एक मिड गेम प्लेयर हो तो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। और मैं तुम्हें एक चीज अश्योर करता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तुम्हें डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो तुम्हें नहीं पता होंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो मतलब पहला पॉइंट है वो है कंडेंस रेजन के ऊपर। आप वैसे तो सब लोगों को पता होगा कि कंडेंस रेजन क्या होता है, बट फिर भी बता देता हूँ। आपके 40 ओरिजिनल रेजन इज इक्वल्स टू 1 कंडेंस रेजन, और इसको आप बना सकते हो यहाँ पे अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास आके। ये रहा कंडेंस रेजन, आप एक बार में 5 बना सकते हो कंडेंस रेजन, 5 से ज्यादा नहीं बना सकते, और इससे कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता। बट अगर आप एक बार जाके कोई भी डोमेन करते हो तो आपको वहां पर 20 ओरिजिनल रेजन यूज करने पड़ते हैं। बट अगर आप 20 ओरिजिनल रेजन की जगह एक कंडेंस रेजन यूज करते हो तो उससे आपको डबल ड्रॉप्स मिलते हैं। बट ऐसा मत समझना कि ड्रॉप ज्यादा मिलते हैं कंडेंस रेजन यूज करने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक मिथ है। कंडेंस रेजन यूज करने से सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बचता है, और जो सबसे बेहतरीन चीज होती है कंडेंस रेजन यूज करने की वजह से वो मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने एडवेंचर्स हैंडबुक में आओगे तो यहां पे जाके आपको दिखेगा एनकाउंटर पॉइंट्स। आपको पहले अपने डेली कमीशन करने पड़ते थे पूरे के पूरे, उसके बाद जाके आप कैथरीन से रिवॉर्ड क्लेम करते। बट अगर आप, मैं करके दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ जाके 4 कंडेंस रेजन बनाते हो, मैंने 3 ऑलरेडी बना रखे हैं तो मैं 4 नहीं बना पाऊंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 ही बना सकता हूँ, तो मैंने 2 कंडेंस रेजन बनाए। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ, अब आप दोबारा हैंडबुक में आओगे और बूम, आपके 2 कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। मतलब कि आपने अगर 2 और कंडेंस रेजन बनाए होते, 4 बनाए होते, तो आपके सारे एनकाउंटर पॉइंट कंप्लीट हो चुके होते। आपको बस यहाँ से जाके रिवॉर्ड क्लेम करना था और जाके कैथरीन के पास के अपने जो कमीशन था आज का वो कंप्लीट हो जाता। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है रेपिटेशन सिस्टम। हर रीजन का अपना एक डिफरेंट रेपिटेशन सिस्टम होता है, और अगर आप उसको कंप्लीट करते हो तो आपको एक डिफरेंट डिफरेंट और बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि ये अपना मॉन्स्टेड का रेपिटेशन सिस्टम है, और इसमें आपको हर मंडे को ये रीसेट होता है। हर मंडे को आपको 3 बाउंटीज मिलती है, मेक श्योर कि हमें हर बार ये बड़ी वाली बाउंटी ही एक्सेप्ट करो। फिर आपको 3 रिक्वेस्ट मिलती है जिनको आप कंप्लीट कर सकते हो, और आपका अगर आप कोई भी रीजन को एक्सप्लोर करते हो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सप्लोरेशन परसेंटेज पे पहुंच जाते हो तो भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और उस रीजन के क्वेस्ट करके भी आपको एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज है, आपको इसको डेफिनेटली हर मंडे को करना है। इसको बहुत लोग भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, लाइक जैसे कि इसमें लेवल 8 तक है, उसमें अगर आप लेवल 8 रेपुटेशन पे पहुंचते हो तो आपको एक ग्लाइडर मिलता है जो कि सच में बहुत कूल है। और उसमें बहुत अच्छी चीजें भी मिलती है, लाइक ये आपका विंड करंट करके एक गैजेट है, फिर ये आपका एनआरई गैजेट है जो कि बहुत औसम है, नेक्स्ट पॉइंट इसी के बारे में है। फिर आपको ट्रेजर कंपासेस मिलते हैं, आपको हर एक रीजन के ट्रेजर कंपास मिलते हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं उस रीजन में चेस्ट को फाइंड करने में और बहुत सारे प्रीमो जेम्स कलेक्ट करने में। सो मेक श्योर आप हर मंडे को ये कर रहे हो। जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो है एनआरई गैजेट के ऊपर। अगर आप मॉन्स्टेड के रेपुटेशन सिस्टम में लेवल 5 तक पहुंचते हो तो वहां से जाके आपको एक ब्लूप्रिंट मिलता है एनआरई गैजेट का। उससे क्या होता है, अगर आप इसको जाके क्राफ्ट करके इसको इक्विप कर लेते हो, उसमें आपको 2 फूड असाइन करने होते हैं, एक जिससे कि आपका कैरेक्टर अगर मर जाता है तो रिवाइव हो पाए, और दूसरा जिससे कि अगर आपके कैरेक्टर की हेल्थ कम है तो वो रीजनरेट हो पाए। अगर आप फाइट के बीच में हो और अगर आप अपने गैजेट वाला बटन प्रेस करते हो तो आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा, और आप दोबारा प्रेस करते हो तो हील हो जाएगा। भाई ये अर्ली गेम प्लेयर्स के लिए वरदान है। अगर मुझे ये गैजेट के बारे में अर्ली गेम में पता होता भाई मेरा गेम कितना इजी हो जाता। भाई डेफिनेटली आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो अगर आप एक अर्ली गेम प्लेयर हो निकालो उसको। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है सीली स्पॉट के बारे में। कईयों बार क्या होता है कि हमारे सामने से सीली स्पॉट दिखे होते हैं बट हमें पता नहीं होता सीली है किधर। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ऑल्ट दबाना है अपने कीबोर्ड में और ये एलिमेंटल साइड पर टैप करना है, और आपको सीली की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये देखो, ये रही सीली की डायरेक्शन, ये बता रहा है सीली इस साइड है, वो देखो वो रही सीली। बहुत सिंपल है, बट ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं होती और ये बहुत हैंडी चीज है। अब बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। इस गेम में ना आपको चेस्ट खोलने से सिर्फ और सिर्फ प्रीमो जेम्स ही नहीं मिलते, आपको उसके साथ साथ मिलती है सिजिल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इस गेम में। आप लोगों को नहीं पता होगा क्यों, अभी तो जैसे कि मॉन्स्टर लियुए में तो ज्यादा तुम्हें सिजिल्स से कुछ रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। आप अगर ये सोविनियर शॉप में आते हो और आप यहां से अपने जो सिजिल्स हैं उनके बदले बहुत यूजफुल रिसोर्सेस कलेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें। बट जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाते हो, लाइक आप ये मॉन्स्टर के बाद लियुए में जाओगे तो वहां भी
कुछ ऐसा ही सोविनीर शॉप वाला सिस्टम होता है, बट लुए के बाद से जो भी ये सिजिल्स हैं ये बहुत ज्यादा मैसिव रिवॉर्ड्स तुम लोगों को देती हैं, क्योंकि इनसे फिर तुम्हें प्रीमो जेम्स भी मिलने लग जाते हैं, इंटरटॉइन फेड्स भी मिलने लग जाते हैं, एक्वाइन फेड्स भी मिलने लग जाते हैं, श्राइन्स कीज भी मिलने लग जाती है, बहुत कुछ मिलता है भाई सिजिल्स से। तो सिजिल्स बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज है, मॉन्स्टर्ड और लुए में इतनी ज्यादा नहीं है, पर बाकी के सारे रीजन में भाई लपालप तुम्हें रिसोर्सेज मिलते हैं, मैं क्या बताऊं। तो इन सिजिल्स को यूज किया करो हर एक रीजन के, हर एक रीजन के। सिक्स्थ पॉइंट है वो है एडवेंचर्स हैंडबुक और नेविगेशन। अगर आप अपने एडवेंचर्स हैंडबुक में आते हो तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे मिशन मिल जाएंगे, उनको अगर आप कंप्लीट करते हो तो ये रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे। ऐसे ये बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं उन, और आप एक चैप्टर के साथ ही अगर मिशन कंप्लीट करते हो तो आपको 100 प्रीमो जेम्स मिलते हैं, एक फोर स्टार आर्टिफैक्ट और कुछ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, यूजफुल रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे कि इसका एक मिशन है असाइन 3 कैरेक्टर्स टू फेज 2, ऐसे कुछ सिंपल मिशन होते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद आपके कमीशन आ जाते हैं, आप कमीशन को नेविगेट कर सकते हो, आपकी कितना कमीशन बचा हुआ है आज। और उसके बाद आप डोमेन में आ सकते हो, आपको डोमेन से पता चल जाएगा कि आपकी जो आज कौन कौन से वेपन मटेरियल्स हैं, कौन कौन से कैरेक्टर अपग्रेडिंग मटेरियल्स हैं, जो भी सारी चीजें आपको यहाँ से वो दिख जाएंगे। उसके बाद एनिमीज हैं, आप क्या पर्टिकुलर एनिमी कौन सा ड्रॉप, कौन सा रिसोर्स ड्रॉप करता है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद गाइड है, उसके बाद है ये एम बैटल में भी कुछ आपके कुछ वो होते मिशन होते हैं जिनको आप कंप्लीट करके आपको रिवॉर्ड्स मिलते। उसके बाद अगर मान लो मुझे मेरी हुताओ लेवल अप, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे ये वाला फ्लावर चाहिए, ये सिल्क फ्लावर चाहिए, मुझे हुताओ को लेवल अप करनी थी, अब मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, गो टू कलेक्ट करूंगा और मुझे ये सारे जगह बता देगा कि इस जगह पे ये फ्लावर्स मिले। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इस जगह पे जाना है, उस जगह के फ्लावर कलेक्ट करना है। जैसे ही मैं उस जगह के सारे फ्लावर कलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो मार्क है ये हट जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे सेवेंथ पॉइंट की, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर मैं तुमसे कहूँ इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट लेके जाना तो वो यही पॉइंट होने वाला है, भाई यूज होयोवर्स इंटरैक्टिव मैप और तिब्बत इंटरैक्टिव। ये एक मैप है जो कि ये कंपनी होयोवर्स जिसका एक गेम है गेंशिन इंपैक्ट, उनने लॉन्च किया है। इस मैप के अंदर तुम्हें हर एक रिसोर्स की लोकेशन मिल जाती है भाई, सीलीज की, ऑक्यूलस की, हर एक पर्टिकुलर चीज की। आपको बस अपने ब्राउजर पर लिखना है होयोवर्स इंटरैक्टिव मैप या फिर तिब्बत इंटरैक्टिव मैप, मैं जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जैसे ही इस वेबसाइट को खोलोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेगी, ये आपके मार्क नहीं होंगे, आपको मार्क करने पड़ेंगे। आप लेफ्ट साइड में ये कुछ ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से जाके सर्च करके भाई मार्क कर सकते हो आपको कौन सी चीज फाइंड करनी है। मान लो मुझे लग्जूरियस चेस फाइंड करनी है, तो मुझे पूरे मैप में लग्जूरियस चेस बता देगा कहाँ कहाँ है भाई, पूरे के पूरे मैप। भाई ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसको यूज करो। मेनली जो लोग इसको यूज करते हैं ना, वो यूज करते हैं ऑक्यूलस के लिए, जैसे कि ये रहे ऑक्यूलस। इस गेम में बहुत सारे ऑक्यूलस हैं, जियोक्यूलस, एनिमोक्यूलस, डेंड्रोक्यूलस, इलेक्ट्रोक्यूलस। तो आप जब इनके पास जाओगे ना, जैसे आप इस पर टैप करोगे तो ये आपको मैप में लोकेशन बता देगा कि वो कहाँ है, और प्रॉपर आपको एक शॉर्ट वीडियो फॉर्म में बता देगा कि वो किधर है और उसको कैसे कलेक्ट करना है। भाई ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, आई हाईली सजेस्ट स्टार्ट करो होयो इंटरैक्टिव मैप को यूज करना। जो हमारा एथ और बहुत क्विक पॉइंट है, वो वैसे तो मैं रखना नहीं चाहता था, बट मैं देखता हूँ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई इसके बारे में, वो है कोऑप के बारे में। लाइक अगर कोई एक बंदा तुम्हारे वर्ल्ड में आता है तुम्हारी हेल्प करने की, तो जो एनिमीज है ना तुम्हारे वर्ल्ड में और जो डोमेन्स है उनकी जो एचपी है वो डबल हो जाती है भाई। और अगर तुमने दो फ्रेंड्स को अपने वर्ल्ड में बुलाया है और तुम तीन लोग हो चुके हो, तो उनकी एचपी जो एनिमीज है तुम्हारे वर्ल्ड में उनकी एचपी ट्रिपल हो जाती है, बढ़ जाती है। और सोचो अगर तुमने तीन लोगों को बुलाया है, अपने तीन फ्रेंड्स को बुलाया अपने वर्ल्ड में, तुम चार लोग हो तो जो एनिमीज है उनकी एचपी 4x हो जाएगी भाई। और अगर तुम्हारे जो टीममेट्स हैं उनके कैरेक्टर्स तुमसे अंडर बिल्ड है, तो तुम गेम को इजी नहीं कर रहे हो, उनको बुला के बहुत ज्यादा टफ कर दे रहे हो भाई। तो ये चीज पता नहीं होती आज भी लोगों को, आई डोंट नो हाउ। तुम्हारा नाइन्थ पॉइंट है, वो पॉइंट नहीं है, वो मुगराज है। कई बार ऐसा होता है इस गेम में कि हमें ना मुगरा की जरूरत पड़ती है बहुत सारी, हम अपने कैरेक्टर के टैलेंट्स को लेवल अप कर रहे होते हैं, कैरेक्टर को लेवल अप कर रहे होते हैं, तो हमारे पास मुगरा खत्म हो जाता है और हमें इंस्टेंट मुगरा चाहिए होता है। तो मैं तुम्हें आज गेंशिन इंपैक्ट में फ्री मुगरा दिलवाने वाला हूं, वो भी एक बैंक लूटेंगे। सबसे पहले तो तुम्हें इसमें लुए में इस वाले वे पॉइंट पे आना है, और अब मुझे फॉलो करो। और आपको आना है इस जगह पे, अब आपको इसके अंदर चले जाना है, एक बैंक है चाइल्ड का। आपने अगर आर्कॉन क्वेस्ट किया है लुए तक, तो आपको चाइल्ड जो है ना वो कुछ पाउचेस देता है, और वो पाउचेस को आपको यहाँ पे आके बस कलेक्ट कर लेना। मैं ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ, बट आपने कलेक्ट नहीं किया होगा, तो आप आके यहाँ से जाके बहुत सारा मोरा कलेक्ट कर सकते हो भाई फ्री में। और यहाँ पे आपको और बहुत सारा मोरा मिलने वाला है, लेट मी टेल यू भाई। साइड से ऊपर आओ और ये चेस्ट, इस चेस्ट को ओपन करते ही देखना क्या होगा भाई, कितना सारा मोरा
होगा भाई, इतना सारा मोरा आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा मोरा की जरूरत है तो आप यहाँ पे आओ और इंस्टेंट बहुत सारा मोरा ले लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप तुम्हें वीडियो में मजा आया होगा और तुम्हें सारी चीजें समझ आई होंगी। बाय बाय, हैव फन।